गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर पीताम्बर शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर BBT गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा में कार्यरत हूँ। आज की क्लास में हम करेंगे विलिप्स, कास्ट एंड क्लास एंड डिफरेंसेस बिटवीन कास्ट एंड क्लास आल्सो। सबसे पहले करेंगे विलिप्स। विलिप्स की डिफिनेशन क्या होगी? विलिप्स को कहेंगे विश्वास। विलिप्स आर आइडियाज अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी दैट आर थॉट टू बी ट्रू बाई दोज वो होल्ड देम। अर्थात विश्वास व्यक्ति जगत के कुछ पहलुओं के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान तथा संज्ञान का एक स्थायी संगठन है। देन कास्ट जिसको हिंदी में कहेंगे जाति। जाति शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम सन 1563 में ग्रेसिया डी ओर्टा ने प्रकाश डाला था। अंग्रेजी शब्द कास्ट का हिंदी रूपांतर है, जिसकी उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा से हुई है, जहां इसे विभेद या मत के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। अटन ने बताया है कि भारत में लगभग 3,000 जातियां हैं, जबकि दुरिया ने 2,000 जातियों का वर्णन अपने किया है। मतलब ओटन ने भारत में 3,000 जातियां बताई हैं, जबकि दुरिया ने 2,000 जातियों का वर्णन बताया है। जाति क्या होगी इसकी डेफिनेशन देखें तो, जैसे कूले ने डिफाइन किया जाति को, जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है, तो हेरिडिटी बेस्ड होता है, तो उसे जाति कहा जाता है। नेक्स्ट मजूमदार ने डिफाइन किया है, मजूमदार एंड मैदान ने, जाति एक बंद वर्ग है, ऐसा वर्ग जिसकी सदस्यता का आधार जन्म से है। जाति के बाहर का कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य नहीं बन सकता, या ऐसा वर्ग जो इसकी सदस्यता त्याग कर बाहर नहीं जा सकता। बंद वर्ग जाति को इसलिए कहा गया है क्योंकि ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है कि वो किस जाति में जन्म ले। एक बार जिस जाति में व्यक्ति पैदा होता है, आजीवन उसी जाति में रहता है, वो चाहकर भी वो जाति को परिवर्तित नहीं कर सकता। वर्ग को परिवर्तित कर सकता है, लेकिन जाति में किसी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है। जिस जाति में जन्म लिया है व्यक्ति, जब तक जीवित रहता है या आजीवन उसी जाति का सदस्य रहेगा, इसलिए इसको जाति को बंद वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है ऐसा समूह जो विशुद्ध या अमिश्रित हो जाति कहलाता है। विशुद्ध या अमिश्रित हो, जिसमें किसी तरह का मिश्रण नहीं हो, एकदम शुद्ध हो, उसे जाति कहा जाता है। इसके बाद है क्लास। कास्ट के बाद क्लास। क्लास व्यक्तियों का ऐसा समूह जिनकी सामाजिक स्थिति प्राय समान होती है, वर्ग कहलाता है। मतलब एक ही लेवल जिनका लगभग होता है, मोर और लेस जो इनका स्टेटस एक है, वो वर्ग कहलाता है ऐसा समूह। जबकि जाति जन्म से होती है, जाति एक वर्ग है, जाति एक बंद वर्ग माना गया है, और एक क्लास है वो एक समूह माना गया है जिनका स्टेटस एक जैसा होता है, जिनका लेवल एक प्रकार का होता है। मैकाइवर एंड पेज ने डिफाइन किया है क्लास को, सामाजिक वर्ग एक समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके, दूसरों से अलग किया जा सके। ये मैकाइवर एंड पेज ने डिफाइन किया है क्लास को। इसके बाद जींस वर्ग ने क्लास को किस तरह से डिफाइन किया है, वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो व्यवसाय, धन, शिक्षा, जीवन यापन की विधियों, विचारों, मनोभावों, प्रवृत्तियों और व्यवहारों में एक दूसरे के समान होते हैं, अथवा कुछ आधारों पर समानता की भावना से मिलते हैं और इस प्रकार अपने को एक समूह का सदस्य समझते हैं। ये है जींस वर्ग की डेफिनेशन। इसके बाद है नेक्स्ट, एक सामाजिक वर्ग के व्यक्तियों की एक सी संस्कृति, एक सी सामाजिक परिस्थिति तथा एक सी परंपराएं अथवा रीति रिवाज होते हैं। ये जींस वर्ग ने डिफाइन किया है वर्ग को। इसके बाद करेंगे डिफरेंशियल बिटवीन कास्ट एंड क्लास। कास्ट और क्लास, जाति और वर्ग में क्या अंतर है, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कास्ट में, जाति में, जाति एक बंद वर्ग है, जाति का आधार जन्म है, अत
रखता है, इसकी सदस्यता जीवन पर्यंत रहती है, लाइफ लॉन्ग, इसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए जाति को बंद वर्ग कहा गया है। नेक्स्ट क्लास वर्ग। वर्ग में खुलापन है। वर्ग का आधार धन, शिक्षा, आय, व्यवसाय आदि है, जिनमें धन प्राप्ति करके व्यक्ति दूसरे वर्ग में जा सकता है, यही वर्ग का खुलापन है। वर्ग का खुलापन इसलिए है कि वर्ग व्यक्ति अपने स्टेटस के हिसाब से वर्ग अपना चेंज करता रहता है, निम्न वर्ग से उच्च वर्ग, उच्च वर्ग से निम्न वर्ग। ये है दूसरा डिफरेंस। देखें जाति, जाति जन्म पर आधारित है, अर्थात जीवन पर्यंत व्यक्ति एक ही जाति का सदस्य माना जाता है, जिस जाति में उसने जन्म लिया है, मतलब जाति एक बार जाति ने जन्म लिया है वो जाति होगी, उसके बाद जाति चेंज नहीं होती, परिवर्तित नहीं होती। वर्ग कर्म पर आधारित है, यहाँ जाति जन्म पर आधारित थी और वर्ग कर्म पर आधारित है। अच्छे कर्म व्यक्ति को उस वर्ग में ले जा सकते हैं तथा निम्न कर्म व्यक्ति को निम्न वर्ग में ले जा सकते हैं, नीचे के जो कर्म हैं वो व्यक्ति को निम्न वर्ग में भी ले जा सकते हैं। तो ये है। नेक्स्ट जाति, जाति की सदस्यता परदत्त है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को जाति की सदस्यता बिना प्रयत्न के स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति जैसे जन्म लेता है तो उसको वो मेंबरशिप उसको जाति की अपने आप ही मिल जाती है। वर्ग, वर्ग की सदस्यता अर्जित है, प्रयत्न अर्थात व्यक्ति के निजी प्रयत्नों का फल होता है, उसे किस वर्ग की सदस्यता प्राप्त हुई है, ये वर्ग है। नेक्स्ट जाति में व्यवसाय निश्चित है, जाति में व्यवसाय निश्चित है, प्रत्येक व्यक्ति का व्यवसाय पूर्व निर्धारित होता है, जिसे अपनाकर व्यक्ति आजीविका प्राप्त कर सकता है। हर जाति में, हर जाति के समाज ने हर जाति को अपना अपना व्यवसाय दिया है, वो उनका मूल व्यवसाय है, तो वो करके अपनी आजीविका पूरी व्यक्ति कर सकता है। जबकि वर्ग का कोई निश्चित व्यवसाय नहीं है, एक वर्ग के लोग अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार विभिन्न व्यवसायों में लगे रहते हैं। नेक्स्ट जाति, जाति में प्रत्येक सदस्य को अपनी ही जाति से में विवाह करना आवश्यक है, जाति अंतर्विवाही है, तो दूसरी जाति में विवाह करना जाति में निषेध है, अपनी जाति के व्यक्तियों के साथ ही विवाह किया जाता है, और समाज आज भी दूसरी जाति में विवाह को स्वीकृति कम देता है या प्रचलन में कम है। दूसरा, वर्ग में इस तरह का प्रतिबंध नहीं होता, विवाह करने की स्वतंत्रता होती है, व्यक्ति अपने से उच्च या निम्न वर्ग में विवाह कर सकता है। विवाह के बारे में बातचीत करें तो वर्ग में खुलापन है, विवाह के बारे में काफ़ी लचीलापन है, वर्ग में व्यक्ति अपने से निम्न वर्ग या उच्च वर्ग में विवाह कर सकता है। नेक्स्ट है जाति में, जाति की सदस्यता स्थायी है, जाति का आधार जन्म है, अतः उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। जाति की सदस्यता स्थायी है, जाति का आधार जन्म है, अतः उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। जबकि वर्ग की सदस्यता परिवर्तनीय है, वर्ग व्यक्ति की योग्यता व क्षमता के अनुरूप परिवर्तित हो सकते हैं, वर्ग परिवर्तनशील है। इधर जाति, जाति में खान पान पर प्रतिबंध है, जाति में खान पान पर प्रतिबंध है, प्रत्येक जाति के कुछ नियम होते हैं कि किन किन जातियों के साथ वो खान पान के संबंध रख सकता है और किन के साथ नहीं। जबकि वर्ग में खान पान पर कोई प्रतिबंध नहीं है, व्यक्ति जिनके साथ खान पान करे और किसके साथ काम करे यह उसकी स्वतंत्रता है। इस प्रकार जाति व वर्ग में अलग अलग तरह के अंतर जो हैं वो यहाँ हमने डिस्कस किए, जाति की परिभाषा डिस्कस की, क्लास की परिभाषा डिस्कस की, बिलीफ की मीनिंग एंड डेफिनेशन डिस्कस की। आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक्स।